राजघाट पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को अमरूद मंडी चकरा अव्वल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बलिराम पुत्र भुल्लुर निवासी बड़गो बंझरिया थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल मंगलदीप, देवेंद्र कुमार अशोक शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, क्षेत्र में बलिराम पुत्र भुल्लुर निवासी बड़गो मंजरिया थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 380/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट, इसमें अभियोग में इसमें जेल भेजा जा रहा है इसको। इसके पास से 2.8 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया था। इसको अमरूद मंडी चक्रा अव्वल से गिरफ्तार किया गया था आज सुबह 7:05 पर।